नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार में राजनीतिक उठापटक के बीच सीएम नीतीश कुमार ने मारी पलटी, अब बने की महागठबंधन की सरकार, कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। भागलपुर में मुहर्रम की दसवीं पर निकाला गया ताजिया जुलूस, पैकरों का उमड़ा हुजूम, चौक चौराहों पर लोगों की लगी रही भीड़। मुहर्रम को लेकर शहर में तैनात की गई रैपिड एक्शन फोर्स सीटीएसपी समेत कई अधिकारी कर रहे हैं मॉनिटरिंग। चार बच्चों के साथ गंगा स्नान करने गई महिला की डूबने से हुई मौत, शव की तलाश में जुटी एसडीआरएफ की टीम। और राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता में भागलपुर के खिलाड़ियों ने लहराया परचम, 3 स्वर्ण समेत 7 पदक जीते। अब खबरें विस्तार से। बिहार की राजनीति में आए भूचाल के बाद आखिरकार मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लेते हुए एक बार फिर से खुद को एनडीए गठबंधन से अलग करते हुए सीएम पद से अपना इस्तीफा राज्यपाल फागू चौहान को सौंप दिया। वहीं इसके साथ ही नीतीश कुमार अपनी पार्टी जदयू के साथ राजद और कांग्रेस पार्टी के साथ महागठबंधन में शामिल हो गए, जिसके बाद उन्हें सर्वसम्मति से महागठबंधन का नेता चुन लिया गया। इसके बाद महागठबंधन के सभी दल की ओर से नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए राज्यपाल को समर्थन पत्र सौंपा गया। वहीं बिहार में फिर से महागठबंधन की सरकार गठन को लेकर मंगलवार को भागलपुर के समाहरणालय मुख्य द्वार के समीप जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर जश्न मनाया गया। इस दौरान कांग्रेस जिला कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अभय आनंद ने कार्यक्रम का नेतृत्व करते हुए कहा कि बिहार को भाजपा के सांप्रदायिक सरकार से छुटकारा मिल गया और पुनः बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बन रही है, जिससे राज्य विकास के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा और एनडीए की सरकार को भी देश की जनता उखाड़ फेंकेगी और देश में फिर से लोकतंत्र और खुशहाली का माहौल होगा। इसके अलावा कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हमेशा देश की राजनीति में बड़ा बदलाव बिहार से ही होता है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। खुशी का दिन है इसलिए कि एक सांप्रदायिक ताकत के साथ जो सरकार चल रही थी बिहार में, उसको सत्ता से बेदखल कर दिया गया और एक धर्मनिरपेक्ष सरकार की स्थापना हुई है। आप तमाम लोग जानते होंगे कि भाजपा और नरेंद्र मोदी की यह साजिश थी कि जितनी भी विरोधी पार्टियां हैं उनको समाप्त कर दिया जाए, और इस बात का इजहार खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पिछले दिनों पटना की एक सभा में कहा था कि 2024 के बाद हिंदुस्तान में कोई दूसरी पार्टी नहीं रहेगी, सिर्फ भाजपा की इकलौती पार्टी रहेगी। और आप इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान में जब जब भी राजनीतिक परिवर्तन हुआ है, राजनीति ने करवट ली है, वह बिहार से शुरू हुआ है। दसवीं मुहर्रम पर ताजियों का जुलूस निकला तो कारीगरों की कारीगरी देखकर सभी की आंखें चौंधिया गई। दर्जनों खूबसूरत ताजिये लोगों की नजरों को बांध रहे थे। जुलूस में शामिल ताजिया विभिन्न देशों के विख्यात मस्जिदों, मीनारों के आकार में बनाए गए थे। शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर घंटों लोगों ने ताजिया के आने का इंतजार किया। चारों तरफ मेले जैसा दृश्य था और सड़कों पर या हुसैन या हुसैन, या अली की गूंज सुनाई दे रही थी। भागलपुर में मुहर्रम की दसवीं तारीख मंगलवार को सुन्नी समुदाय के लोगों ने हजरत इमाम हुसैन की याद में ताजिया जुलूस निकाला। वहीं हजरत इमाम हुसैन की शहादत को बयां करती करवला की झांकियां और ताजिया देखने के लिए सड़कों पर अकीदतमंदों का हुजूम उमड़ पड़ा। शहर के कोतवाली चौक इमामबाड़ा से निर्धारित समय 2:35 में पैकरों ने ताजिया उठाया और फिर काजवली चक तातारपुर चौक होते हुए सीधा शाहजंगी चले गए। इस दौरान जगह जगह ताजिया और पैकरों पर लोगों ने गुलाब जल की वर्षा की। इसके पूर्व शहर के विभिन्न मोहल्ले से अखाड़ा जुलूस निकाला गया, जो सराय किला घाट जाने के बाद अपने अपने मोहल्ले लौट गए। इस दौरान अखाड़ा जुलूस में शामिल युवाओं ने मुहर्रमी धुन पर पारंपरिक हथियारों से करतब दिखाए। सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के सदस्यों ने बताया कि आज रात विभिन्न इलाकों से 100 से अधिक अखाड़ा और निशान जुलूस निकाला जाएगा, जिसको लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। रात 9 बजे से अखाड़ा जुलूस निकालने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अखाड़ा जुलूस ततारपुर मुस्लिम हाई स्कूल संपार होते हुए शाहजंगी पहुंचेगा, जहां
तालाब में फूल का पहलाम किया जाएगा। खास बात यह है कि कोरोना के 2 वर्ष बाद इस वर्ष काफ़ी उमंग और उत्साह में अखाड़ा जुलूस निकाला जा रहा है। सभी इलाकों में अखाड़ा जुलूस को लेकर अलग अलग झांकियां तैयार की गई है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं 10वीं मुहर्रम पर निकाले गए अखाड़ा और ताजे जुलूस की कुछ झलकियाँ। प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत कुर्मा में मुहर्रम को लेकर करबला में शहीद हुए इमाम हसन हुसैन की याद में गाजे बाजे के साथ ताजा जुलूस निकाली गई, जिसमें सभी धर्म के लोग शामिल हुए। इस दौरान जुलूस में हसन हुसैन का नाम गूंजता रहा, जबकि प्रशासन की ओर से भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। शाही करबला बिहार एवं झारखंड के अध्यक्ष परवेज अख्तर ने बताया कि इस बार सभी क्षेत्र से पहलाम के लिए लोग पहुँचते रहे और पहलाम कुर्मा में ही किया जाता है। उन्होंने कहा कि मंगलवार को इस्लामी कैलेंडर की 10वीं तारीख को जुलूस ताजिया के साथ निकाली गई। वहीं जिला और पुलिस प्रशासन की देखरेख में करहरिया, सगुनिया, रामपुर, भगवानपुर सहित कई मोहल्ले से ताजिया जुलूस निकाला गया। समय पर सभी हर्षोल्लास के साथ पहलाम करें, प्रशासन की भी पूरी व्यवस्था सहयोगात्मक है और हम लोग सभी को मिलजुल कर इस व्यवस्था को शांतिपूर्वक ढंग से पहलाम करने की कोशिश हम लोग करेंगे। और इस बार ये हम लोग चाहते हैं कि समय सीमा के अंतर्गत ही पहलाम हो और यही पर जो है अपना जो है सारा ध्यान आकृष्ट किए। मुहर्रम में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला पुलिस बल के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया है। भागलपुर पुलिस लाइन से 300 से अधिक जवानों को ड्यूटी पर लगाया गया। इसको लेकर सिटी एसपी सुप्रभात ने बताया कि सभी संवेदनशील जगहों पर जवानों को तैनात कर दिया गया है और जगह जगह सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में भारी वाहनों की आवाजाही पर नजर रखी जाएगी। वहीं मुहर्रम की 10वीं तारीख पर भागलपुर में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था दिखी। शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए सेंटर मुहर्रम कमेटी, जिला शांति समिति और पूजा समिति के पदाधिकारी एवं सदस्यों के अलावा कई समाजसेवी प्रशासन के साथ मुस्तैद दिखे, जबकि सभी ताजा जुलूस के आगे और पीछे भी रैफ और जिला पुलिस के जवान निगरानी करते दिखे। कमेटी से जुड़े सदस्यों ने लोगों से प्रशासन का सहयोग करते हुए किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। इधर सिटी एसपी शुभम आर्य ने बताया कि जिले के संवेदनशील जगहों पर पुलिस द्वारा विशेष नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि मुहर्रम के अवसर पर शांति व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के कमरगंज गांव में एक महिला की गंगा में डूबने से मौत हो गई। घटना को लेकर मुखिया भरत यादव ने बताया कि कमरगंज गांव निवासी मुकेश शाह की 32 वर्षीय पत्नी सोनी देवी अपने 4 बच्चे के साथ गंगा स्नान करने गई थी। तभी गंगा स्नान के दौरान वे सभी अचानक डूबने लगे, जिसे देखते ही वहां स्नान कर रहे कई कांवरियों ने किसी तरह से बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन बच्चे की मां सोनी देवी गंगा में डूब गई। वहीं इसके बाद घटना की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद एसडीआरएफ टीम ने गंगा में सोनी देवी की तलाश शुरू कर दी। इधर इस घटना के बाद महिला के परिजनों और आसपास के लोगों में मातम छा गया। बिहार राज्य वुशु प्रतियोगिता में भागलपुर जिले के खिलाड़ियों ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक समेत कुल 7 पदक जीतकर अपने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। दरअसल बिहार के छपरा स्थित सेंट्रल पब्लिक स्कूल प्रांगण में 6 से 8 अगस्त तक 12वीं बिहार राज्य वुशु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों के अलावा भागलपुर के वुशु खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। वहीं इसको लेकर भागलपुर वुशु संघ के महासचिव राजेश कुमार साह ने बताया कि इस चैंपियनशिप में भागलपुर के खिलाड़ियों ने 7 पदक जीतकर
लेकर भागलपुर समेत स्कूल और अकादमी का भी नाम रोशन किया है। उन्होंने बताया कि एकल स्पर्धा में जिया कुमारी, आध्या और अर्पिता दास ने स्वर्ण पदक पर कब्जा किया, जबकि कृतिका आनंद ने कांस्य पदक जीता। साथ ही उन्होंने कहा कि शान शो फाइटिंग स्पर्धा में सूरज कुमार को 65 किलो भार वर्ग में रजत पदक हासिल हुआ, जबकि राजकुमार राज और संतोष कुमार ने अलग अलग भार वर्ग में कांस्य पदक अपनी झोली में डाला। वहीं खिलाड़ियों द्वारा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पदक जीतने पर खुशी जाहिर करते हुए कॉर्मेल स्कूल की प्राचार्य सिस्टर सेंड्रा, उप प्राचार्य सिस्टर आशा और मैनेजर सिस्टर मेरिशियन समेत भागलपुर वुशु संघ के सभी पदाधिकारियों ने सभी खिलाड़ियों को बधाई और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। साथ ही चैंपियनशिप में बेहतर खेल दिखाने वाले अन्य खिलाड़ियों और इस खेल से जुड़े छात्र छात्राओं के सफल भविष्य की मंगल कामना की। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर के सुल्तानगंज अजगैवीनाथ में श्रावणी मेला के दौरान कई शिव भक्त ऐसे दिखे जिन्होंने अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर अपने माता पिता या पुत्र को कांवर में लेकर अजगैवीनाथ गंगा घाट से देवघर बाबा धाम की यात्रा की। वहीं एक ऐसा ही दृश्य एक बार फिर से सुल्तानगंज कांवरिया पथ में दिखा। दरअसल मुंगेर के खड़गपुर टेटिया बंबर मिल की गंगटा निवासी दयाशंकर सिंह विगत कई वर्षों से कांवर लेकर बाबा वैद्यनाथ धाम में जलाभिषेक करते आ रहे हैं, लेकिन इस वर्ष दयाशंकर सिंह अजगैवीनाथ उत्तरवाहिनी गंगा तट से अपने पुत्र और पुत्री को कांवर में लेकर बाबा धाम के लिए रवाना हुए, जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। वहीं इसको लेकर दयाशंकर सिंह ने बताया कि वो अपनी मन्नत पूरी होने के बाद बाबा वैद्यनाथ को जलाभिषेक करने पुत्र और पुत्री को कांवर में लेकर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाबा भोलेनाथ ने उनकी मनोकामना पूरी की है और इसी को लेकर वो पैदल अपने पूरे परिवार के साथ बाबा वैद्यनाथ धाम भोलेनाथ को जल चढ़ाने जा रहे हैं। वहीं उनकी पत्नी निशा देवी ने बताया कि बाबा भोलेनाथ ने की मनोकामनाएं पूर्ण की है, इसलिए बच्चों को कांवर में बैठाकर बाबा धाम जा रहे हैं। इसके अलावा रेलवे में कार्यरत दरभंगा निवासी कांवरिया चंदेश्वर राय भी अपने पुत्र और पुत्री को कांवर में बैठाकर देवघर बाबा धाम के लिए अजगैवीनाथ से गंगा जल लेकर रवाना हुए। वहीं चंदेश्वर राय की पत्नी खुशबू कुमारी ने कहा कि उनके पति कांवर में अपने 2 बच्चों को बैठाकर सपरिवार देवघर वैद्यनाथ धाम जा रहे हैं और बाबा भोलेनाथ सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत अपजुगंज से
से एक बच्चे के लापता होने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर युवक के पिता ने सुल्तानगंज थाना में आवेदन देकर बेटे की बरामदगी की गुहार लगाई है। वहीं इस मामले को लेकर अपचूगंज निवासी और लापता युवक के पिता मनोज कुमार शाह ने थाना को दिए गए अपने लिखित आवेदन में अपने पुत्र रोहित कुमार की उम्र 12 वर्ष बताई है। इसको लेकर मनोज शाह ने कहा कि सोमवार को रोहित दोपहर के वक्त अपनी माँ को कहकर सुल्तानगंज बाजार गया था, लेकिन उसके जाने से 24 घंटे से भी अधिक का समय बीत जाने के बाद भी रोहित का कुछ भी पता नहीं चल सका है, जबकि उन्होंने कई जगहों पर अपने पुत्र की खोजबीन भी की। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन करते हुए लापता युवक के तलाश में जुट गई है। कहानी क्या, कल यहाँ से नहा खा के निकला है 12 बजे। क्या नाम है लड़के का? लड़के का रोहित। उम्र कितना? उम्र 12 साल। 15 साल। अरे किस क्लास में पढ़ता है? नवम में। 9th में। कहाँ पढ़ता है? राजकीय मध्य विद्यालय अबजूगंज। तो क्या कह के निकला है घर से? बोला हम जा रहे हैं घूमने के लिए। किसको कह के निकला? यही लोग को बोला है, हम तो थे नहीं घर में। क्या कह के निकला? अभी इसी को पता होगा क्या बोला कि मेला देखने के लिए जा रहे हैं। आप दिया है ना? हाँ। क्या कहा? मेले, वही मेले कह के कि मेला जा रहे हैं। भागलपुर के पीरपैती सुंदरपुर निवासी श्रीनिवास पासवान की पुत्री बीपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद मंगलवार को अपने घर पीरपैती पहुंची, जहां घर वालों के साथ स्थानीय लोगों ने भी बाजे गाजे के साथ अपनी अफसर बिटिया का भव्य स्वागत किया। दरअसल पीरपैती सुंदरपुर की रहने वाली मधुकर ने बीपीएससी परीक्षा में 66वीं रैंक लाकर अपने क्षेत्र और जिले का नाम रोशन किया है, जिसके बाद से परिवार और समाज में खुशी का माहौल है। अपनी सफलता को लेकर मधुकर ने बताया कि उन्हें अपने पहले प्रयास में ही सफलता मिली है और उनकी सफलता का श्रेय उनके पिता श्रीनिवास पासवान और माता किरण देवी के साथ पूरे परिवार को जाता है। वहीं इस दौरान पीरपैती रेलवे स्टेशन पर स्टेशन प्रबंधक अजय कुमार ने भी बूके एवं अंग वस्त्र देकर अफसर बिटिया मधुकर का सम्मान किया। उन लड़कियों के लिए यही संदेश है मेरा कि आप खुद से मेहनत कीजिए, 10th तक पास कीजिए और फिर आगे बढ़ के अपने पापा को बोलिए, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। एक मतलब बेटी से ज़्यादा दोस्त की तरह, फ्रेंड की तरह और भाई बहन, मतलब हर रूप में पापा ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है। तो गार्जियन की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है और साथ में उन बच्चों की भी भूमिका होती है कि वो अपने गार्जियन के कथनानुसार चले, जो उनके मम्मी पापा चाह रहे वो करे वैसा। और अंत में चलते चलते फिर से एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। बिहार में राजनीतिक उठापटक के बीच सीएम नीतीश कुमार ने मारी पलटी, अब बने की महागठबंधन की सरकार, कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। भागलपुर में मुहर्रम की 10वीं पर निकाला गया ताजिया जुलूस, पैकरों का उमड़ा हुजूम, चौक चौराहों पर लोगों की लगी रही भीड़। मुहर्रम को लेकर शहर में तैनात की गई रैपिड एक्शन फोर्स CTSP समेत कई अधिकारी कर रहे हैं मॉनिटरिंग। चार बच्चों के साथ गंगा स्नान करने गई महिला की डूबने से हुई मौत, शव की तलाश में जुटी SDRF की टीम। और राज्य स्तरीय बुशुक प्रतियोगिता में भागलपुर के खिलाड़ियों ने लहराया परचम, 3 स्वर्ण समेत 7 पदक जीते। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।